هیچ چیز میره عزیز. अस्सलाम वालेकुम भाई, लुक्स के हाल चाल अर्थ फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई, इस वीडियो के अंदर जो न्यू इवेंट हमें देखने को मिला है वेलकम बैक वाला, पुराना वाला जो था उसके अंदर चीज़ें थोड़े बहुत कम थे, तो इस वक्त जो है चीज़ें चेंज भी किया है और थोड़े बहुत ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकते हैं और फिर आईडी रिनेम कार्ड भी हमें देखने को मिल जाएगा, तो उसके रिलेटेड भी बातचीत करेंगे। और जिस बंदे ने वो बेटा का मैप बनाया उन बंदों के लिए भाई जो इस वक्त रिवार्ड मिलते हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल है, वो भी देख लेते हैं। तो चलो भाई सब आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक ज़रूर ठोक देना, और अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर भी लाजमी से फॉलो कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए जो है ना, एक इवेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तुम खुद भी देख सकते हो। अभी जिस बंदे का मैप टॉप 1 पे चल रहा है भाई, उसके लिए नेक्स्ट लेवल चीज़ें इधर तुम देख सकते हो। और फिर उसके बाद लास्ट 1 तक, मतलब जिस बंदे का मैप कोई चल ही नहीं रहा है उसको भी भाई अच्छी खासी चीज़ें मिलती है। अब इधर देखो, जो बंदा टॉप 1 पे होगा उसको कुल मिलाकर 5000 USDT मिलेगी, $5000। अब आप लोग खुद भी हिसाब लगा, ये पबजी वाले थे और उसी के साथ साथ एक टाइटल मिलता है और एक जो है ना सेट मिलता है, लेजेंडरी है स्कारल का स्किन है और एक जो है ना हेड गियर है, और इसके नीचे जो है ना 3000 ठीक है USD होगी, 3000 USD, और यही सब कुछ मिलते हैं ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगर तीसरे की बात की जाए तो जो थर्ड नंबर पे, उसको 2000 USD ठीक है, 2000 USD उसको भी मिल जाएंगे। ये जो है ना जो सिर्फ और सिर्फ मैप बनाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि पबजी वाले देते हैं, नहीं वो 100% देते हैं ठीक है भाई। तो अब उसके बाद अगर बात की जाए वही सारे रिवार्ड जो लेजेंडरी मिलते हैं, और फिर उसके नीचे 4 से लेकर 10 तक जो है ना उसको 1000 मिलते $1000, और फिर उसके नीचे अगर बात की जाए 11 से लेकर 50 तक जो है ना 200 हो गए, और 51 से लेकर कुल मिलाकर 100 तक 100 तक जो है ना $100 USD $100 हो गए ठीक है, और एक जो है ना सीट मिल गया। और फिर उसके बाद जो भी बंदे उसको सिर्फ और सिर्फ एक बग्गी का स्किन मिलेगा भाई, वो बंदा हैरान परेशान होगा कि भाई इससे बेहतर अगर मैं ना बनाता ये मैं फिर भी सही होता। ये वाला इवेंट है, आप लोग खुद भी अपने अकाउंट के अंदर ये चीज़ें देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो, वर्ल्ड ऑफ वंडर के नाम से ये वाला है ठीक है भाई, इधर देख सकते हो। इधर जाना तुम्हें ये सारे के सारी चीज़ें तुम्हें इधर देखने को मिल जाएंगी। तो अब मैप कैसे बनाना है, मैप के लिए क्या करना है, उसका वही पुराना वाला सीन है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लियर किया था। तो अब जिस मंजी ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, जाके देख सकते हो। तो बात है वेलकम बैक इवेंट पे भाई, वो वाला तो मेरे हाथ से निकल गया क्योंकि मुझे भी अभी तक चांस नहीं मिला मैप बनाने का, हमने भी उस चीज़ को फॉलो किया। अब देखो वेलकम बैक इवेंट के अंदर चेंजेस एक तो ये आया है कि मतलब एक दिन जो है इसके अंदर इजाफा हो गया, और इसके अंदर जो टाइम लिमिटेड, मतलब ये वाला जो क्रिएट है जो वेक्टर होता है के साइड पे एक क्रेट होता है, अब ये वाला क्रेट अगर तुम कलेक्ट करते हो इसके पॉइंट जमा करके ठीक है, ये वाला क्रेट भी तुम उठा सकते हो, फिर इनमें से कोई एक आइटम तुम्हें मिल जाता है ठीक है, एक आइटम तुम उठा सकते हो। बदकिस्मती से भाई, अगर बदकिस्मती से इधर आ गई थी लेजेंडरी आइटम से, इनमें से पांडा वाला सेट बेस्ट है, ये वाला सेट पर जो पड़ा है ना ये वाला क्रेट ठीक है प्रीमियम वाला। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसके अंदर ये चेंजेस भी किए, ये वाले जो है ना ये हमें न्यू देखने को मिल गए। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए ये सीट वगैरह जो है ना ये पहले भी आए थे, ये वाला पहले आया था और ये जो है ना न्यू डाले ठीक है भाई, बीच में से एक न्यू है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए हेलमेट के स्किन है और उसके नीचे जो बैकपैक के स्किन है, वो सारे के सारी चीज़ें जो है ना हमें टाइम लिमिटेड देखने को मिल जाएंगे। और उसके नीचे जो भाई वेपन के स्किन, ये भी चेंज शायद किया है क्योंकि पहले कार रेंटेड था, इसके जगह पर कोई और चीज़ हमें देखने को मिल सकता था, मगर अभी जो है ना AKM का स्किन और UMP 45, और इसके नीचे ये दो व्हीकल जो न्यू एड किए ठीक है। ये जो है ना जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपडेट के साथ आए, क्योंकि अपडेट से पहले मेरे 3 अकाउंट है, मैं कुल मिलाकर 10 दिन के बाद एक बार चेकआउट करता हूँ, उसके अंदर तो भाई मुझे कोई ऐसी चीज़ें अभी तक देखने को नहीं मिली। तो अब अगर बात की जाए एक जो है ना ये वाला आईडी रिनेम कार्ड है जो अभी तक तुम्हें मिल रहा है, ये जो है ना इधर से रिमूव नहीं हुआ है, जो बंदा 8 दिन, इधर देखो रिटर्न, मतलब 8 दिन पे तुमने आना है, 8 दिन पूरा तुमने लॉग इन नहीं करना है, एक चीज़ याद रखना, आज के दिन पे सुबह से तुमने लॉग इन नहीं किया ठीक है, सुबह 7 बजे से तुमने बिल्कुल लॉग इन नहीं करना है, 5 बजे से, सॉरी 5 बजे से लॉग इन नहीं करना है। फिर उसके बाद 8 दिन लगेंगे, 9 दिन पे सुबह 7 बजे तुम इसको खोल सकते हो ठीक है, सुबह 5 बजे से लेकर फिर 9 दिन के सुबह 7 बजे पे तुम इसको खोल सकते हो, फिर जो है ना ये वाला आईडी रिनेम कार्ड तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इधर जो वैल्यू ए मैसेज लिखा है इस पर भी तुम क्लिक कर सकते हो, इधर से भी तुम्हें थोड़े बहुत पॉइंट मिल जाते हैं। तो अब ये वाले पॉइंट जमा करके भी मतलब तुम्हें अच्छे खासी रिवार्ड देखने को मिल सकते हैं, और ये वाला चीज़ भी तुम उठा सकते हो, मतलब जो प्रीमियम वाला है उसके अंदर जो परमानेंट मिलते हैं। और फिर उसके बाद अगर तुम टायर को मतलब आगे लेके जाते हो ठीक है, लेवल अप करते हो और तुम रैंक पुश करते हो प्लेटिनम टायर तक, जो है ना ये वाली चीज़ें भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, ये भी एक हिसाब से बेस्ट है। और एक और बेस्ट चीज़ बताता हूँ,
जो बंदा 60 से परचेस करता है इसके अंदर कुल मिलाकर तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है भाई, 120 मिलेंगे 60 के जगह पे। यार ये चीज़ भी बेस्ट है, ठीक है। तेरी भाई साहब वेलकम बैक की पूरी कहानी, पूरा का पूरा चेंज हमें देखने को इस वक्त मिला है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना कि आप जो अभी तक करते आ रहे हो आई डी रिनेम कार्ड तुम परचेस करते हो शॉप में से, जो कुल मिलाकर 180 UCP मिलता है या फिर 160 UCP कुछ ऐसा ही मिलता है, और या फिर तुम इधर से उठाते हो, ये वाला मुझे बेस्ट लग रहा है, ठीक है भाई। तो ये हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बिल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो चलो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।